जैकी गोलबीघा मोड़ स्थित साई मंदिर के समीप डॉक्टर सरजू प्रसाद के सामने क्वांटम ई स्कूटर शोरूम का उद्घाटन गुणमाला देवी जैन व सुरेंद्र कुमार जैन द्वारा संयुक्त रूप से पिता काटकर किया गया। इस मौके पर परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य के साथ साथ समकित जैन व रवि जैन मौजूद थे। इस मौके पर परिवार के सदस्यों और युवा समाज सेवी जामीन ने समकित जैन और रवि जैन को अपनी शुभकामनाएं। इस मौके पर उन्होंने गया वासियों से अपील करते हुए कहा कि गया जिले को क्लीन व ग्रीन बनाने के लिए क्वांटम इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग करें, जिससे शहर को प्रदूषण से बचाया जा सके। इस मौके पर प्रोप्राइटर अल्पना जैन ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शहरवासी क्वांटम इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग करें और शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए आगे बढ़े। खास बात यह कि आप इस बाइक को मात्र 16 रुपए के खर्च में 100 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे सब पोते लोग आगे बढ़ते जाए, हमको इसी में बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो मेरे बेटे बहू को, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर आ करके उद्घाटन करके बहुत अच्छा लगा और मेरी इच्छा है कि 1962 से आज तक मैं परिवार को आगे रख कर चलता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी जो आगे आई है तो ये भी समूचे परिवार को एक मान करके आगे चलेंगे और मेरा सबको आशीर्वाद है परिवार को एक मान करके चले। हमारा सभी बच्चों से और सभी बहुओं से हमारी यही अपेक्षा है कि मैं मतलब आज तक जैसे चला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह चलता रहे। मेरे अनुज भाई रवि जैन ने आज के ज़माने के हिसाब से एक नए काम का शुरुआत किया है और उसके बच्चे ने भी बहुत मेहनत किया है, तो आने वाले वर्षों में इसी का ज़माना है और इसके लिए ये हमेशा तरक्की करे, ये मेरी भावना है और काफ़ी आगे बढ़े। सभी लोगों का मेहनत है और हम इसके साथ में हैं हर समय। मैं अपने बच्चों समकित और हर्षित ने बहुत ही मेहनत करके इस काम को आगे बढ़ाया है और ये स्कूटी जो है प्रदूषण मुक्त है और हरियाली हरियाली रहेगी, इससे ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे बढ़िया रहा कि प्रदूषण नहीं रहेगा, प्रदूषण नहीं रहने के कारण बहुत ही स्वच्छता रहेगी और ये आगे बढ़ता जाए, शांति रहेगी, नॉइज नहीं रहेगा और हम लोग इसी तरह स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है। शहर के लोगों से अपील करेंगे कि इसी तरह ये इसी स्कूटी का इस्तेमाल करें और प्रदूषण को रोकें। साथ ही साथ क्वांटम बाइक में एंटी थेफ्ट लॉक दिया गया है, जिसके एक्टिवेट करने पर बाइक का व्हील मूव नहीं करेगा। क्वांटम स्कूटी के फीचर्स और प्राइस की सारी जानकारी दे रहे हैं समकित जैन। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ खास है इस इलेक्ट्रिक बाइक में। और हम तीन मॉडल्स लेके आए हैं। पहला मॉडल अपना इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। मैं मोटा मोटा फीचर्स आपको बताऊंगा इसके बारे में। जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी टॉप स्पीड वो 55 से 65 किलोमीटर पर आवर के बीच में है। जो माइलेज है वो एक बार अगर आप चार्ज करते हो तो 2 यूनिट का चार्ज आपका उठता है और 110 किलोमीटर का रेंज है इसका उस चार्ज पर अगर आप इको मोड पे चलते हो। ठीक है, जो बैटरी है, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ में दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक मोटर और दूसरा बैटरी। मोटर अच्छा खासा हैवी है, 1000 वाट का मोटर लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है 2 किलोवाट आवर की, करीब करीब 2 यूनिट समझ लीजिए। तो एक बार आप चार्ज करते हो 3.5 से 4 घंटे लगता है इसको चार्ज करने में और 16 रुपये का खर्च आता है, उस पर 110 किलोमीटर हमारी स्कूटी चलती है। ठीक है, अब कुछ बहुत अच्छे फीचर्स इसमें जिसके बारे में बात करते हैं। बैटरी पे 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है। हमारे पास अच्छा खासा बूट स्पेस है और एक बार इसको खोलते पीछे बूट स्पेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी है। यहाँ पे एक बार आइएगा प्लीज़। बैटरी आप निकाल सकते हैं, निकाल के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सामान रखना आप रख भी सकते हैं। और मोटर हमारा जो है वो हीट रेजिस्टेंस है, डस्ट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है। सबसे अच्छी खास बात इसमें ये है, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। इसका मतलब जो नॉर्मल बाइक्स में हम देखते हैं कि ब्रेक मारने पे जो घिसती है बाइक्स, धीरे धीरे ब्रेक पैड ख़राब होता है गर्मी के कारण। इसमें क्या है कि वो जो फ्रिक्शन है उसको यूज़ करके हम बैटरी को थोड़ा चार्ज भी करते हैं, तो आपका जो ब्रेक है वो लंबा चलता है और आपको ब्रेक मारते समय गाड़ी में कोई झटका फील नहीं होगा। अच्छा, तीन मोड्स है गाड़ी में, इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल कम्फर्ट मोड। तो आप मोड चेंज कर सकते हैं, अगर आपको यहीं जल्दी जाना है स्पोर्ट मोड पे चेंज करिए, आपका स्पीड अच्छा मिलेगा। देख सकते हैं काफ़ी कलर्स में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एक रेड है, वाइट है, ब्लू है, ये हमारा मिलान है। ये कंपनी ने बड़े प्यार से बनाया है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। लुक वाइज ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है आप लोग को भी ये पसंद है। इसमें और इलेक्ट्रॉन में डिज़ाइन का अंतर है, फीचर सेम है, मोटर
स्पेसिफिकेशंस या बैटरी की स्पेसिफिकेशन सेम है, ब्रेकिंग सेम है, माइलेज सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन एक ख़ास बात मिलान में ये है, इसका जो सीट है वो सीट लड़कियों के लिए बहुत कम्फर्टेबल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लड़के इसको चला नहीं सकते हैं, ये बहुत ही कम्फर्टेबल है चलाने में रोड में। इस डुअल शॉक है आगे पीछे दोनों, सारी बाइक्स में डुअल सस्पेंशन है आगे और पीछे। तो इलेक्ट्रॉन और मिलान के बारे में तो हमने बात किया, एक स्कूटी के बारे में बात करना चाहूँगा, तीसरा मॉडल हमारे पास है वो है बिजनेस। आते आते ये 1,14,000 की पड़ती है, मिलान 110, मिलान आपको 1,10,000 रुपये में पड़ेगा। ईजी फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है, HDFC, ICICI, श्रीराम फाइनेंस, तो मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट पे आप उठा के ले जा सकते हैं गाड़ी को, किस्तों में जमा कर सकते हैं। खास बात ये है कि जितना पेट्रोल में खर्च करते हैं 100 किलोमीटर में चलने के लिए, करीब करीब मान लीजिए 2 लीटर आप खर्च करते हैं पेट्रोल, जिसमें आपका 216 से 220 रुपये खर्च होता है, इसमें वही 100 किलोमीटर चलने के लिए आपको सिर्फ 2 यूनिट बिजली का खर्च होगा, क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो 2 यूनिट का है। 16 रुपये में आप यहाँ से पटना पहुँच सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत किफ़ायती है, नॉइस फ्री है, पोल्यूशन फ्री है और कम्फर्टेबल बाइक्स हैं। अच्छा, ये बाइक्स तो हो गई हमारे सिटी राइड के लिए, बट बहुत बार डिलीवरी जो करते हैं उनको एक हैवी बाइक चाहिए होती है ताकि वो चीज़ों को लोड कर सके और लंबा जा सके, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा हैवी मॉडल बनाया है जिसका मोटर थोड़ा हैवी है। जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉन मिलान में 1000 वॉट का मोटर है, हमारे बिजनेस मॉडल में 1200 वॉट का मोटर लगा है। इसकी जो बैटरी है वो भी थोड़ी हैवी है, वो 2 किलोवाट की अगर बैटरी है तो ये 2.2 किलोवाट की बैटरी, किलोवाट आवर की, तो ये 2.2 यूनिट मतलब 2.2 यूनिट का खर्चा उठाएगा, जो कि करीब करीब मिलान इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आइए इसका मैं फ़ीचर के बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस दिया है जो कि इलेक्ट्रॉन मिलान में भी है। यहाँ पे रेस्ट है, तब कोई भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे बांध सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। फिर एक ख़ास बात यह है कि आप जो सीट देख रहे हैं वो एडजस्टेबल है, पुल करके आप इसको गिरा दीजिए, यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं। अगर आपको कोई सामान रखना है, जैसे हम बहुत बार देखते हैं एक डब्बे आते हैं, डब्बे में लोग सामान रख के डिलीवर करना चाहते हैं, तो आप इसको सीट को पुल कर लीजिए, बहुत ही आसान। और यहाँ पे आपके पास एक स्पेस मिलता है आपको जहाँ पे आप एक डब्बा रख सकते हैं और लंबा जा सकते हैं, ठीक है। इस स्कूटी का जो टॉप स्पीड है वो 60 से 65 के बीच में है और माइलेज अगेन 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर के बीच में, तो काफ़ी काफ़ी किफ़ायती दाम में और काफ़ी लंबे चलने वाली अच्छी बॉडी। ये अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और हमारा जो चौथा मॉडल प्लाज्मा जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा वो मेड इन इंडिया, तो मोस्टली जो कॉम्पोनेंट्स हैं हम इंडिया बनाते हैं। ये फुल बॉडी है डिज़ाइन वाइज, इसमें कोई स्टील फ्रेमिंग नहीं लगी है, ये मजबूत है, ठीक है। साथ में आपको इंश्योरेंस मिलता है, एक क्वांटम कंपनी की तरफ से। एक खास बात यह है कि एक 24/7 रोड असिस्टेंस है, तो अगर कहीं भी आप फंस जाते हैं बीच में तो आप सीधे कॉल कर सकते हो रेडी असिस्ट को, 24/7 वो आएगी आपकी गाड़ी को पिकअप करेगी, कहीं अगर इसमें गड़बड़ी है तो वहीं पे ठीक करेगी, अगर नहीं तो वो आपको अपने डेस्टिनेशन तक छोड़ेगी 60 किलोमीटर के रेडियस में और इसको ठीक करा के आप घर भेजेगी। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है, हम जो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स में कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है, सर्विस नहीं मिलता है, वो हम पूरा करने का कोशिश करते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के साथ, ठीक है। तो ये 3 मॉडल्स हमारे स्टोर्स में अवेलेबल है अभी। बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि बाइक चोरी ना हो या लोग ले ना जाए, तो हमने एंटी थेफ्ट फीचर क्वांटम ने दिया है सारे बाइक्स पे, तो एक बार वो फीचर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो हमने गाड़ी को अभी लॉक कर दिया है अभी, ठीक है, तो ये आवाज़ आप सुन सकते हैं, कोई भी गाड़ी को छूने की कोशिश करेगा। अगर कोई टायर घुमाता है तो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली गाड़ी आवाज़ करना शुरू कर देती है, तो पता लग सकता और टायर लॉक हो जाता है। तो वापस से अगर कोई, हमने गाड़ी को लॉक खोल दिया है तो ये फिर से चल सकती है और ये टायर फ्री हो गया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, इससे गाड़ी चोरी होने से बचेगी। और ये जो, अच्छा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मिलान में रिमोट है, बिजनेस में हमारे पास रिमोट नहीं है, लेकिन उसमें एंटी थेफ्ट फीचर है जो इन गाड़ियों में आपको देखने में मिलता है। आप ज़रूर आएँ और एक बार मॉडल्स के बारे में समझें, देखें और टेस्ट राइड लें और देखिए कैसा लग रहा है आपको बाइक चला के।